आज के इस वीडियो में हम इसका माइलेज सेटिंग करेंगे, कार्बोरेटर को कैसे ट्यूनिंग करते हैं, कैसे इसका माइलेज सेटिंग करते हैं 220 cc का, और ये सभी बाइक के लिए लगभग सेम होने वाला जिस बाइक में कार्बोरेटर आता है। और इस वीडियो में इसका माइलेज भी टेस्टिंग करूंगा। हमने इसका कार्बोरेटर वाला जो कार्बोरेटर देख रहे हैं इसको हम सेटिंग करेंगे, ऐसे सेटिंग करेंगे कि भाई इसको बेस्ट माइलेज दे और पिकअप वगैरह सही आए। तो माइलेज सेटिंग के ऊपर वाला वीडियो होने वाला है एकदम डिटेलिंग के साथ, और इसका हम माइलेज टेस्ट भी करेंगे इसी वीडियो में। तो दोनों वीडियो का कॉम्बो एक ही वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर 125 cc कार्बोरेटर लगा के इसके अंदर माइलेज टेस्टिंग किया था, 42 का माइलेज मिला था। उस वीडियो के बाद बाइक का बैंड बज चुका है क्योंकि इसके अंदर से ट्रैफिक का साउंड आ रहा था, बाइक एक्चुअली ओवरहीट थोड़ा बहुत हो गया था। तो जैसे तैसे इसको इंजन को मैंने फिर से थोड़ा बहुत ट्यून अप किया है। अभी इसका जो इंजन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 125 cc मतलब साइन का कार्बोरेटर हमने इसके अंदर डाला था, अभी इसमें तो 220 cc का ही कार्बोरेटर है। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो माइलेज टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, इसका ये वाला जो मैनिफोल्ड रबर है वो ख़राब था। अपने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में देखा था, इसे देखो क्रैक आ चुका था। ये मिलना ही बहुत मुश्किल है, बट मैंने ऑर्डर देके फाइनली इसका जो मैनिफोल्ड रबर है ब्रांड नेम, उसका प्राइस सिर्फ 48 rupees है, बट ये मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका जो मिसिंग प्रॉब्लम था मतलब कार्बोरेटर ट्यूनिंग एकदम एक नंबर तरीके से होगा। अदरवाइज इसके ऊपर मैंने कार्बोरेटर ट्यूनिंग करता इसको ये वाला लिखा के, तो ये कार्बोरेटर ट्यूनिंग होता ही नहीं था। सर, आपके पास कार्बोरेटर वाला बाइक है तो माइलेज सेटिंग करने के लिए पहले 2 स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले बाइक को 1 किलोमीटर चला लीजिए, मतलब बाइक को हल्का सा इंजन को गर्म करना है। मैंने 2-3 किलोमीटर चला लिया है, अभी इसका माइलेज सेटिंग करने वाले हैं हम। दूसरा, इसका जो स्पार्क प्लग है, मुझे नहीं पता आपके बाइक में कैसा है, इसका जो स्पार्क प्लग है इसको खोल के हम इसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह अगर है तो क्लीन कर देंगे। तो दोनों स्पार्क प्लग इसको क्लीन करना पड़ेगा। इसका जो एयर फिल्टर है इसके अंदर, वो एक बार चेक कर लीजिए कि एयर फिल्टर सही है नहीं। बस इस 3 चीज़ें कर लीजिए, आपका माइलेज सेटिंग करने के लिए बाइक रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले देखो, इस तरह का स्पार्क प्लग बिल्कुल काला हो चुका है। काला क्यों हुआ है और इसके अंदर काला होने से आपको क्या पता चलेगा, इससे मैं आपको बताऊंगा। और इस बाइक में 2 स्पार्क प्लग है, तो उस साइड का भी खोलने थे, उसके बाद इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। स्पार्क प्लग है, देख सकते हैं मैंने खोल लिया है, 17 नंबर के पाने से खुल जाता है। अभी इसका हालत देखो, इसका हालत देखो, ये भी थोड़ा बहुत काला हो चुका है। सो ऐसे भी देखो, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि इसके ऊपर क्या करना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो ये वाला, देखो स्पार्क प्लग इसको छोड़ देते हैं, काला हो चुका है। मतलब आपका अगर इसमें काला हो चुका है वाला चीज़, मतलब आपका बाइक तेल बहुत ज़्यादा पी रहा है। उसी हिसाब से अगर आपका ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला जो सेंट्रल वाला इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये मिडिल वाला हिस्सा, ठीक है, ये अगर सफ़ेद है तो मतलब आपका बाइक, मतलब ज़्यादा ही पूरा 100% सफ़ेद है, तो मतलब आपका बाइक अपने, मतलब बाइक 100% ओवरहीट करेगा और माइलेज बहुत बढ़िया देगा, बट पिकअप थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ये वाला चीज़ हल्का सा ब्राउनिश होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, बट वाइट के बाद हल्का सा ब्राउनिश होना चाहिए, तब जाके आपका इंजन का परफॉर्मेंस एकदम सही है। तो मेरे केस में देखो थोड़ा सा काला हो चुका है, तो इसको हम पहले बाइक को ट्यूनिंग करेंगे। कार्बोरेटर सेटिंग करने के बाद इसका स्पार्क प्लग खोल कर हम चेक कर लेंगे कि इसमें ब्राउन आ रहा है कि नहीं, फिर हल्का सा सफ़ेद आ रहा है कि नहीं, तब जाके इसमें पता चलेगा कि बाइक का माइलेज कम दे रहा है या फिर ज़्यादा दे रहा है। स्पार्क प्लग जो हमने पेट्रोल से क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं ये हल्का सा डस्ट देख रहे हैं, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जो इलेक्ट्रोड है वो हमने क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। अभी इसको हम क्या करते हैं, बाइक में लगाते हैं, बाइक को स्टार्ट करके माइलेज सेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो बाइक का, अभी जहाँ पे भी है स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है। सबसे पहले इसका जो RPM है इसको बढ़ाते हैं। अभी इसको मैंने छेड़ा नहीं है, ये है मिक्सर स्क्रू, इस स्क्रू को सेटिंग करना पड़ा है। ये भाई एक स्क्रू देख रहे हैं, इसको कहते हैं RPM स्क्रू। तो यह भाई RPM मीटर इसमें है, इस बाइक में तो लगभग हम 3000 RPM पे हमने इसको सेट किया है। देखो देख लो, ये अप डाउन हो रहा है, 3 से 4 के बीच में हो रहा है अप डाउन। अभी इसका माइलेज टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम है ये जो मिक्सर स्क्रू है इसको पूरा टाइट कर दीजिए, जहाँ पे भी है टाइट कर दीजिए। बाइक बंद होगा, ठीक है, 100%। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे, तो हम सबसे पहले एक टर्न खोलेंगे, एक टर्न, वन फुल टर्न खोलेंगे। बाइक बंद है, इस हिसाब से हम एक टर्न खोलेंगे। ये देखो ये हो गया आधा टर्न और ये हो गया पूरा एक टर्न, ठीक है, हमने जस्ट एक टर्न खोला है।
और आरपीएम को हमने 3000-4000 पर सेट किया है, 3 से 4 के बीच में। आईवाई को स्टार्ट करते हैं। आईवाई का देखो आरपीएम कितना ज़्यादा कम हो गया, बाइक बहुत दब रहा है। अभी एक टर्न हमने खोला है, ये जो मिक्सर स्क्रू है इसको हमने एक टर्न खोला है। अभी इसके बाद आधा टर्न खोलेंगे, आधा आधा करके खोलेंगे, ठीक है। बाइक बंद हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक टर्न हमने खोला था, अभी आधा टर्न खोलेंगे बाहर की तरफ। ये हमने खोल दिया आधा, अब बाइक को फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाइक आरपीएम नहीं बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे खोलेंगे। हमने कितना चूड़ी खोला है, 1.5 चूड़ी, ठीक है। अभी इसको हम और आधा खोलेंगे, ये हमने खोल दिया 2 चूड़ी। बाइक आरपीएम बढ़ रहा है, कितना आरपीएम गया, ये 1500 और 2 के बीच में है, ठीक है। और जिस बाइक में आरपीएम नहीं है, आरपीएम मीटर नहीं है, आपका साउंड सुनना पड़ेगा। अभी देखो ये बाइक का रिदम बहुत अनइवन है, तो हमने कितना चूड़ी खोला है, 2 चूड़ी। उसके बाद हमको खोलते जाना है, और ये हमने खोला 2.5 चूड़ी। आपको इंजन का साउंड के ऊपर ध्यान देना है, इसका मेन साउंड का खेल है। 2.5 चूड़ी, देखो आरपीएम बढ़ गया ऑटोमेटिकली, 2.5 चूड़ी, थोड़ा सा रुकना है आपको। और ये हमने खोला 3 चूड़ी, 3 चूड़ी खोला। देखो हमारा जो आरपीएम है वो 3 से 4 के बीच में पहले था, अभी आपने सिर्फ 3 चूड़ी खोला है, देखो आरपीएम उतना हो गया। जितना जहाँ पे मैक्सिमम आरपीएम होगा उस जगह पे आपको सेट नहीं करना है, मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे। अभी देखो बढ़ते बढ़ते 4000 पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हमने 3 चूड़ी खोला है, अभी हमको थोड़ा और खोल कर देखना पड़ेगा, तो फिर 3.5 चूड़ी खोलते हैं, ठीक है। ये हमने 3 चूड़ी खोला था, अभी ये आधा चूड़ी खोलेंगे। ये हमने 3.5 चूड़ी खोल दिया, अभी देखो आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है, 4000 पे आइडलिंग कर रहा है, 4000 पे आइडलिंग कर रहा है। और थोड़ा सा खोलेंगे, 3.5 चूड़ी हमने खोला है, अभी 4 चूड़ी खोलने वाला है। 3 चूड़ी हो गया, 4 चूड़ी। अभी ये वाला जो आरपीएम है वो स्टेबल तो है, अनस्टेबल हो रहा है। 4 चूड़ी हमने खोला है, अभी 4.5 चूड़ी खोलते हैं और आधा चूड़ी खोलेंगे। 4 चूड़ी और आधा चूड़ी, 4.5 चूड़ी खोला है, 4.5 चूड़ी खोला है। देखो आरपीएम 4000 क्रॉस कर चुका है, 4000 क्रॉस कर चुका है। हमने कितना खोला है, 4.5 चूड़ी, और 5 चूड़ी खोलते हैं और आधा खोलते हैं। 5 चूड़ी खोला है, 4000 क्रॉस कर दिया, देखो। बट ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, देखो अनस्टेबल हो रहा है। ये देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो और थोड़ा खोलते हैं, और आधा चूड़ी खोलते हैं। 4000 को क्रॉस कर दिया, 5000 क्रॉस करने वाला, और आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है, और बाइक को यहाँ पर आप करते। तो हमने स्टार्टिंग किया था 3 से 4 के बीच में, और हमने ट्यूनिंग करने में मतलब 5 चूड़ी इसको खोला है, 5 फुल टर्न, तो ये 4000 क्रॉस कर दिया, तो आरपीएम डेफिनेटली इसका बड़ा है। तो 5000 आरपीएम बिल्कुल आरपीएम स्टेबल, और स्टार्ट आरपीएम ना स्टेबल होना चाहिए, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, बाइक को फिर से स्टार्ट करते हैं, और 4000 प्लस इसमें क्रॉस करना चाहिए। बाइक को फिर से स्टार्ट करते हैं, कितना आरपीएम देखो, 4 क्रॉस कर दिया, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा।
तो इसका 5000 RPM पे बिल्कुल इसका जो मतलब कार्बोरेटर बिल्कुल सेट है, बट हमने 5000 नहीं करना है, तेल ज़्यादा पिएगा तो हमको करना ये है यहाँ पे 5000, ठीक है, बिल्कुल आधा चूड़ी अंदर की तरफ कर देना, हल्का आधा चूड़ी नहीं, आधा की आधा, ये देखो यहाँ पे सेट हो गए, तो अंदर की तरफ ये हमने कर दिया, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दी बस, ठीक है। अब एक स्टार्ट करते हैं, और इसका जो ये है ये वाला RPM इसको डाउन करते हैं, इसका RPM हमने लो कर दिया है, तो लगभग आपको इसमें 1000 पे रख दीजिए, और भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हालांकि इसका साउंड ठीक है, थोड़ा सा और कम कर लेंगे, अभी देखो 1100-1200 पे, आप 1000 पे भी ला सकते हैं, बाकी इंजन का साउंड आप सुन लो, बिल्कुल स्टेबल है, रिदिम पे चल रहा है। तो 5000 के बाद, 5 टर्न के बाद, अगर मैं खोलता 5 टर्न के बाद, तो ये क्या होगा, आप इसको जो RPM है वो अनस्टेबल हो रहा था, अनस्टेबल हो रहा था, स्टेबल नहीं था, जो जहाँ पे आपको मैक्सिमम है प्लस स्टेबल होना है, दोनों चीज़ आपको करना है, अगर है उसी जगह पे सेट करिए, उसको पॉइंट मान लीजिए, उसके बाद हल्का सा अंदर की तरफ हल्का सा घुमा दीजिए ताकि ऑयल ज़्यादा ना खाए। तो इस तरीके से हमने इसका माइलेज सेटिंग कर दिया है, मेरे हिसाब से मैंने इसमें बेस्ट तरीके से इसको माइलेज सेटिंग किया है, और अगर पास 220 है तो इस 220 पे 5 फुल टर्न के थोड़ा सा अंदर सेटिंग हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर 220 में इस मतलब 4 पे भी सेट हो सकता है, बट हर किसी बाइक में कार्बोरेटर सेटिंग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो मैक्सिमम आपको ऐसे देखना है कि RPM जिस जगह पर ज़्यादा हो उस पर करना है, और अगर आपके पास RPM मीटर नहीं, इस बाइक में तो RPM मीटर है, जिसमें RPM मीटर नहीं है उसमें आपको एक्सपीरियंस से करना पड़ेगा, इंजन का साउंड बढ़ना चाहिए मैक्सिमम, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब इसका मैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, और इसमें फ्लैट स्पॉट को नहीं होना चाहिए, फ्लैट स्पॉट मतलब थ्रॉटल घुमाएंगे तो इंजन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यह है फ्लैट स्पॉट, तो ठीक है। अभी एक्सेल दबाएंगे, बाइक स्टार्ट होना चाहिए, बाइक स्टार्ट हुआ, आइडलिंग कर रहा है 1100 RPM पे, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, कोई लैग नहीं थ्रॉटल पे, कोई लैग नहीं, देखो और RPM जो ऐसा कांटा है वो थ्रॉटल के साथ मतलब स्मूथ होना चाहिए, और एक बार बाइक को फुल रेव करते हैं, देखते हैं ये वाला बाइक कितना RPM तक जाती है, यहाँ पे देखो 11-12000 लिमिट दिया हुआ है, देखते हैं फुल थ्रॉटल करेंगे, ठीक है, ये बाइक 11000 RPM तक जा रहा है, 11000 RPM के बाद नहीं जा रहा है, ठीक है, 11000 RPM पे ये लॉक हो चुका है, ये वाला 220 11000 RPM पे रेड लाइन कर रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। तो चलिए अभी इसका माइलेज टेस्टिंग करते हैं, रोड पे जाते हैं, माइलेज टेस्टिंग करते हैं 100 ml पेट्रोल डाल के, और मैं आपको लास्ट में इसका जो स्पार्क प्लग है वो खोल के दिखाने वाला हूँ, इसका जो स्पार्क प्लग का कलर है वो ब्राउनिश हुआ है या चेंज हुआ है कि नहीं, तब जाके पता चलेगा। तो दोनों तरफ से करते हैं, माइलेज भी टेस्ट कर लेंगे और इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक भी कर लेंगे, और बाइक को 5-6 किलोमीटर चलाना पड़ेगा उसके बाद ही इसका स्पार्क प्लग चेक करें, अदरवाइज अपने माइलेज टेस्टिंग किया तुरंत, अपने स्पार्क प्लग खोल के चेक किया तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो चलाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर।